हेडिंग डालेंगे संधारित्र का संयोजन, ग्रुपिंग ऑफ कैपेसिटर। क्या मतलब है इसका? यदि ढेर सारे कैपेसिटर हो उसको किसी एक सर्किट में लगाना हो, ठीक है, तो उसे किस प्रकार लगाएंगे, ठीक है, एक साथ सभी को यदि लगाना है सर्किट में तो उसे ही हम लोग क्या बोलते हैं, संधारित्र का संयोजन यानी ग्रुपिंग ऑफ कैपेसिटर बोलते हैं। तो लिखेंगे संधारित्र का संयोजन दो प्रकार का होता है, संधारित्र का संयोजन दो प्रकार का होता है, पहला श्रेणी क्रम, दूसरा समांतर क्रम। द ग्रुपिंग ऑफ कैपेसिटर इज ऑफ टू टाइप, द ग्रुपिंग ऑफ कैपेसिटर इज ऑफ टू टाइप, सीरीज एंड पैरेलल। ठीक है, जिसे कॉम्बिनेशन भी बोलते हैं, सीरीज कॉम्बिनेशन या पैरेलल कॉम्बिनेशन, श्रेणी क्रम और समांतर क्रम। पहला हेडिंग डालेंगे श्रेणी क्रम संयोजन, हाँ विनोद बोल सकते हो सर, कह रहे हैं आप 20 वोल्ट की बैटरी जोड़ने पर उस पर समान आवेश Q आ जाता है, yes, V ऑप्टेन चार्ज Q, V ऑप्टेन चार्ज Q by joining the battery of V volt। तो V बराबर क्या है, Q अपॉन सी एस है, ठीक है, तो लिखेंगे इस V के जगह पे क्या लिख सकते हैं, Q अपॉन सी एस, V1 के जगह Q अपॉन C1, V2 के जगह Q अपॉन C2, V3 के जगह Q अपॉन C3, Q से Q सब कट सकता है आपस में, जरूर कट सकता है, कैसे, Q कॉमन ले लीजिए इधर से, तो ये इधर मिल जाएगा वन अपॉन सी वन प्लस वन अपॉन सी टू प्लस डॉट 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 ऐसे, और इधर भी क्यू है, इस क्यू से ये क्यू कट जाएगा, हमें क्या मिलेगा, वी गॉट वन अपॉन सी एस इज इक्वल टू वन अपॉन सी वन प्लस वन अपॉन सी टू प्लस वन अपॉन सी थ्री। इससे एक क्वेश्चन समझ जाओ पक्का है, ठीक है, पैरेलल प्लेट और सीरीज प्लेट, ये पैरेलल कैपेसिटर और सीरीज कैपेसिटर का कॉम्बिनेशन जो है ना, इससे या तो डायरेक्टली आपको क्वेश्चन में पूछ देगा, ये जैसे मैंने बताया क्या कांस्टेंट रहता है Q, क्या इसका फॉर्मूला है 1 upon Cs equal to 1 upon C1 plus 1 upon C2 plus 1 upon C3, या इससे रिलेटेड ऐसा एक न्यूमेरिकल पूछ सकता है, ठीक है, क्या दे देगा, ऐसे दे देगा, यदि C1 पहला कैपेसिटर है मान लीजिए एक माइक्रोफैरेड का, दूसरा कैपेसिटर दो माइक्रोफैरेड का, तीसरा तीन माइक्रोफैरेड का, तो पूछ लेगा कुल टोटल कितना माइक्रोफैरेड का कैपेसिटेंस प्राप्त होगा, कुल कितना धारिता हमें मिलेगा, फॉर्मूला डायरेक्ट रखेंगे 1 अपॉन सी एस इक्वल टू 1 अपॉन सी वन प्लस 1 अपॉन सी टू प्लस 1 अपॉन सी थ्री, C1 के जगह पे 1 रख दिया, C2 के जगह पे 2 रख दिया, C3 के जगह पे 3 रख दिया, लॉसा ले लिए 1 2 3 का 6 होता है, 1 6 जा 6 2 3 जा 6 और 3 2 जा 6 6 3 9 तो 11 बटे 6। अब कई लोग आंसर यही 11 बटे 6 लगा के आएंगे, लेकिन ये क्या होगा, गलत होगा, ध्यान दें कि इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस पूछ रहा है, हम क्या निकाले हैं, अभी तो हम 1 अपॉन सी एस निकाले हैं, याद है 1 अपॉन सी एस बराबर 11 बटे 6 आया है, ये भी ऑप्शन में रहेगा, इस बात का खास तौर पे ध्यान रखें, ये भी ऑप्शन में रहेगा,
लेकिन ये गलत है। हमें क्या निकालना है, सी एस निकालना है। सी एस क्या हो जाएगा, सी एस हो जाएगा इसका जस्ट अपोजिट, 6/11। ठीक है, जब 1/CS बराबर 11/6 तो अपोजिट करेंगे तो सी एस मिल जाएगा, सी एस बराबर 6/11। इसका खास तौर पे ध्यान रखेंगे नीचे, ये यहीं पे एग्जाम्पल में लिख लो, नहीं तो बाद में गलत कर दो। ठीक है, लिख लीजिए यहीं पे स्क्रीन शॉट लेकर के। देखिए क्वेश्चन बहुत ही आसान आएंगे, लेकिन आप नहीं पढ़े रहोगे ना तो आपके लिए वो क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा कठिन हो जाएगा, बहुत ही ज्यादा कठिन। इस बात का खास तौर पर ध्यान रखेंगे, यदि पढ़े रहेंगे तो देखिए कितना बहुत बड़ा क्वेश्चन थोड़ी ना है, बस डायरेक्ट 1/1 करके लिखना है, उसका जस्ट अपोजिट कर देना है। ठीक है, ये याद रखेंगे सीरियस में, नहीं पढ़े रहेंगे लास्ट टाइम बस जल्दी जल्दी पढ़ लेंगे तो फिर ये 11/6 देख करके यही मार के चले आएंगे। ठीक है, नंबर गलत हो जाएगा ना इसमें, ये नहीं टीचर कर सकता है कि एक नंबर का क्वेश्चन है तो आधा नंबर दे देना, ऐसा नहीं हो सकता है। ये 11/6 लिख दिए तो आपको 0 ही नंबर मिलेगा, क्योंकि आपको उसका आंसर गलत कर दिया। आप नीचे वाला देखे नहीं, 6/11 भी एक ऑप्शन देता। ठीक है, तो चारों ऑप्शन पढ़ के उसके बाद करते हैं, और इसके लिए पूरा पूरा पढ़ना पड़ेगा। भले ही आपको लग रहा होगा कि आएगा क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में तो हम केवल ऑब्जेक्टिव पढ़ लेते हैं, नहीं आप रट नहीं पाएंगे सारे सब्जेक्ट को, आप रटना इम्पॉसिबल है कि आप सारा ऑब्जेक्टिव आप रट जाए, नहीं हो सकता है। आप पढ़ लीजिए, समझ लीजिए, और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का केवल प्रैक्टिस करेंगे आप जहां से भी होकर। ठीक है, और पढ़ेंगे आप ये पूरा एकदम इसको अच्छे से, कॉन्सेप्ट जब इसका जान जाएंगे तो चाहे ऑब्जेक्टिव करा लो, चाहे वन लाइनर करा लो, चाहे ट्रू फॉल्स करा लो, ठीक है, उससे कोई मतलब नहीं होता है, आपका कॉन्सेप्ट यहाँ पे क्लियर रहेगा। ठीक है, ये खास तौर पर ध्यान देंगे, थोड़ा इम्पोर्टेंट है इसलिए ज्यादा मैंने बता दिया इसके बारे में। समांतर क्रम में संयोजित विभवांतर का, संयोजित संधारित्रों का विभवांतर समान होता है, इन पैरेलल कॉम्बिनेशन द पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ द कैपेसिटर्स आर सेम। परंतु आवेश बट जाता है, परंतु आवेश बट जाता है, बट द चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड, बट द चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड, आवेश क्या हो जाएगा, बट जाएगा। तो यहां से हम लोग फॉर्मूला जनरेट कर सकते हैं, Q इज इक्वल टू क्या था, Q इज इक्वल टू था Cv, तो Q1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, V तो हमेशा कांस्टेंट रहेगा, तो ये हो जाएगा C1V, Q1 is equal to क्या हो जाएगा C1V, Q2 is equal to हो जाएगा C2V, Q3 is equal to हो जाएगा C3V, लिख लीजिए ये, यहाँ से हम लोग देखेंगे Q is equal to क्या होना चाहिए, Q1 plus Q2 plus Q3, लिखेंगे Q is equal to Q1 plus Q2 plus Q3, पूरा यहां से लेके यहां तक नोट कर ले।
ठीक है, लिखेंगे यदि संयोजन की कुल धारिता सीपी, इफ द टोटल कैपेसिटेंस ऑफ कॉम्बिनेशन इज सीपी, यदि संयोजन की कुल धारिता सीपी तथा वी वोल्ट की बैटरी से जोड़ने पर आवेश क्यू आ जाता है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए सभी, वी वोल्ट की बैटरी से जोड़ने पर आवेश क्यू आ जाता है, इफ टोटल कैपेसिटेंस ऑफ कॉम्बिनेशन इज सीपी एंड वी ऑब्टेन क्यू चार्ज बाय एडिंग वोल्टेज V of battery, then Q is equal to क्या हो जाएगा Cp into V, V तो सब में constant रहेगा, Q1 is equal to C1 भी है, Q2 is equal to C2 भी है, Q3 is equal to C3 भी है, तो Q is equal to क्या लिखेंगे Q1 plus Q2 plus Q3, ये मिल जाएगा हम लोग को Cp is equal to C1 plus C2 plus C3, V से भी कट जाएगा, ठीक है, इधर से भी कॉमन ले लेंगे, V से भी कट जाएगा, केवल C is equal to C1 plus C2 plus C3 मिल जाएगा, नोट कर लीजिए। और ये वाला एग्जांपल जस्ट, ये तो बहुत ही आसान है, कैसे C1 बराबर दिया है 1, C2 बराबर 2, C3 बराबर 3, तो कुल कितना हो जाएगा 1 plus 2 plus 3 बराबर 6 माइक्रोफेरेड, एकदम आसान है, ठीक है, बस इतना लिख लेंगे, अभी आपका क्लास एंड हो जाएगा, बाकी हम लोग नेक्स्ट में मिलेंगे, ठीक है, ओके सर।